आज के विजेता है हमारे विकास शर्मा जी, तो इन्होंने जीती है, तो हम पूछेंगे कि इतनी बड़ी रकम का आप क्या करोगे। बहुत बड़ी रकम है सर, बहुत बड़ी रकम है, मैं बता देता देना चाहता हूँ आपके। बिल्कुल, तो आपको मतलब कि फिर आप तो घर में पूरी खुशी की लहर रहेगी, मैं पूरी खुशी की लहर होगी, पूरी खुशी की लहर। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ में घर वालों ने मेरे हार पहनाए, मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, जीते हैं, इतनी मेहनत की है, रात भर तक मैं रिक्वेस्ट करता रहता था। हेलो फ्रेंड, मैं थोड़ा डर मेरा लेके आया एक नवी वीडियो जिदे विच ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 में आज के विजेता है हमारे विकास शर्मा जी, तो इन्होंने बहुत बड़ी राशि जीती है, तो हम पूछेंगे कि इतनी बड़ी रकम का आप क्या करोगे। तो ये पहले पंजाब में पर्सन है लुधियाना के जो ये विजेता बने हैं, पिछले 3 दिन में 2 बार विजेता बन चुके हैं, तो इनको पूछेंगे इतनी बड़ी राशि का आपने क्या करना है, कौन कौन से काम पे लगाएंगे और कौन से अच्छे और कौन से बुरे काम करेंगे। तो आओ मिलते हैं विकास शर्मा जी से। नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तरुण जी ने आज मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मेरे साथ थोड़ी वार्तालाप कर रहे हैं। तो बात यह है कि मैं ड्रीम 11 का विजेता रहा हूँ ये पिछले 2 दिनों में। तो इन 2 दिनों में मैं इतनी रकम जीता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि उस रकम को मैं कहीं अच्छी जगह पे लगाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए सर। तरन जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रकम कितनी जीता हूँ। कितनी रकम जीते हैं सर, आप बताइए हमें। देखिए, जो मैं पहले ड्रीम 11 में लगाया था तो उसमें मैं 49 रुपीज, बहुत बड़ी रकम है। पिछले कितने साल से सर आप ये गेम खेल रहे थे? सर ये वैसे तो मैं ये 3 साल से ये गेम खेल रहा था, पर इस साल में मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है तो मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि मैंने 49 रुपए 2 दिनों में 3 बार जीते हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं कि सफलता की सीढ़ियां जब चढ़ता है बंदा तो टाइम तो लगता है, जब चढ़ जाता है उसको खुशी बहुत होती है। आप लोग कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, मुझे इतनी खुशी है कि मैं इन पैसों का किसी अच्छी जगह पर लगा सकूंगा। बिल्कुल सर, मुझे इतना अच्छा काम करने का मौका मिला, वो भी ड्रीम 11 के माध्यम से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मतलब कि फिर आप तो घर में पूरी खुशी की लहर रहेगी, मैं पूरी खुशी की लहर होगी, पूरी खुशी की लहर। मैं आपको क्या बताऊं कि कल जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही मेरे साथ में घर वालों ने मेरे हार पहनाए, मेरा बेटा बहुत खुश हुआ कि हाँ पापा इतने जीते हैं, इतनी मेहनत की है, रात भर तक मैं रिक्वेस्ट करता रहता था कि कितने पॉइंट्स बने। बिल्कुल सर, वो मेरे साथ बैठ के ना देखता रहता था इन चीजों को कि कितने बढ़ रहे हैं। देखो, बच्चों को भी सिखाया जा रहा है कि ड्रीम 11 खेलो, इसमें सफलता बहुत जल्दी और बहुत अच्छी मिलती है। जी जी, 49 रुपए कम नहीं होते। तो आप क्या करोगे इतनी रकम का सर? देखिए, पहले तो 49 मेरे अकाउंट में आएंगे, उसके लिए पहले कुछ परसेंट सरकार भी इसका काटेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतनी बड़ी रकम है तो इसमें थोड़ा टैक्स तो सरकार काटेगी। बिल्कुल, उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं इस रकम को बेटे बेटा मौज कर दे, मैं लेडीज को मुफ्त किराया है थोड़ी डोनेशन में वहां करना चाहता हूँ, 25% में उनको देना चाहता हूँ। देखो जी, इतना बड़ा काम करना चाहते हैं कि 25% 49 का 25% ये हमारे उन लोगों को देना चाहते हैं जो बस में सफर कर रहे हैं। बहुत अच्छे विचार है, बहुत उच्च विचार है सर के। तो जो बाकी रकम बची है सर, आप उसका? हाँ जी सर, उसमें मैंने ये सोचा है कि अगला 25% जो है वो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को देना चाहता हूँ। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को देना चाहता हूँ। बिजली सबको माफ किया हुआ है, 600 यूनिट मैं उनको देना चाहता हूँ। मतलब कि सारा जो पैसा है ये हमारे पंजाब के लोगों को में ही लगाना चाह रहे हैं कि जो भी रकम, इतनी बड़ी रकम देखो संभालना भी मुश्किल है। आज आपको पता है कि चोर चक्के कितने घूम रहे हैं, घर में कुछ भी हो सकता है, इतनी रकम को संभालना। इन्होंने आपने डाला कि आप बोलते थे ना मैंने बोरी में डाले हुए हैं सारे नोट। हाँ सर, वो मैंने बोरी में रखे हुए हैं। ऐसा है कि ना, देखिए थोड़ा बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है क्योंकि हमारे आई साइड है ना, बिल्कुल बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये थोड़ा सीक्रेट ही रहने दें हम तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, देखो जैसे इन्होंने बताया कि सारे आले वाले लोग हैं सराउंडली जो भी रहते हैं आंड गुआंड, उनकी नजर बनी हुई है कि ये कहाँ रख रहे हैं इतना बड़ा बोरा भर के, कि हाँ भी लोगों को इंटरेस्ट है इनकी सारी रकम में, कितनी रकम इन्होंने जीत कैसे ली। तो और सर आप 2 बातें कहना चाहते हो लोगों के, जी खेलना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए, क्या इसका तरीका क्या रहता है? देखिए, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, देखना है ना, हम देखते रहते हैं कि वो उसने पैसा लगाया, उसने किस्मत है, किसी की भी कभी भी चमक सकती है, पर ऐसा है कि एक तरफ का ये जुआ है,
तो हमें इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा इसमें लगाना है कि हमारे परिवार, हमारे घर वालों पर किसी पर कोई बोझ ना बने। बिल्कुल, तो हमें ये बिल्कुल सूझबूझ के साथ खेलना है। और अगर हाँ हम इस रकम को जीतते हैं तो मेरी तरह इसे किसी अच्छे कामों में लगाना है, लोगों की भलाई के लिए लगाना है। बहुत उच्च गजब बेइज्जती है, विचार है सर, बहुत उच्च विचार है आपके। और मैं सर एक बात और पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने यहाँ पे कितने पैसे लगा दिए ड्रीम इलेवन में? सर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 100 रुपीज लगाया था इसमें, 100 रुपीज जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, वो मैंने लगाई थी। पर वो मैंने लगाई थी 3 दिन पहले, तो उसमें से मैं 49 रुपए जीता। वाह अरे कहना क्या चाहते हो? देखो कितने एक सौ रुपया इन्होंने खर्च करके 49 रुपये जीते, बट जीत की लहर ज्यादा बड़ी है। जो पैसे हमारे गए वो उसका कोई चक्कर नहीं है, तो जो जीते हैं 49 रुपये 49 उसकी खुशी सर को ज्यादा है कि नहीं मैं जीता हूँ जीत, क्योंकि आस पड़ोस सभी देख रहे हैं कि ये बंदा कैसे जीत गया। सभी की नजर इन पे रहे, आले दुआले जो भी रहते हैं लड़के लड़के इनसे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं कि हमें भी बताओ किस पे पैसे लगाने हैं किस पे नहीं लगाने हैं। तो चलो बढ़िया बात है सर, आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आप फिर इस गेम को आगे चलता रहने चाहते हो या फिर बंद करना चाहते हो? नहीं नहीं सर ये चलता रहेगा, चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। बिल्कुल सर बोल रहे कि चलता रहेगा, इसमें आगे डे बाय डे मैं और कोशिश करूंगा जीतने की, ऐसे ही है सर? जी जी बिल्कुल। तो आप एक बार दिखाना चाहोगे स्क्रीन पे की? जरूर जरूर सर। ये देखिए इन्होंने खोला, तो मैं आपको ये देखिए, तो मैं कैमरे के पास में लेके आता हूँ। ये देखिए 49 रुपये जीते हैं हमारे सर, तो बहुत खुशी की लहर है। इनपे इतनी बड़ी रकम को संभाल के रखना और कुछ बैंक में, सर आप बैंक में भी जमा करवाओगे या सारा लोगों में पब्लिक में बांट दोगे? नहीं सर थोड़ा बैंक में भी जमा, बैंक में भी जमा करवाएंगे, मगर इनका कहने का मतलब कुछ परसेंट बैंक में भी जमा करवाना है, आधी पेमेंट ले। चीटिंग करता है तू, आदि बस जो चलाते हैं तो उस डिपार्टमेंट में जाएगी, जो बच गई वो सर कुछ पेमेंट जो आप रखते हैं उसमें गरीबों में कुछ ऐसा कुछ नहीं? नहीं गरीबों में कुछ नहीं बांटना, देखो नहीं गरीबों में कुछ नहीं बांटना इन्होंने, क्योंकि मेहनत की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 3 साल हो गए हैं, अभी जो ऊपर पहुंचे तो 49 रुपीज बहुत बड़ी रकम होती है, संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने किसी में नहीं बांटना, जिन्होंने बांटना है वो इन्होंने बता दिया है। कोई भी ऐसा ना हो कि लिफाफा लेके सब्जी वाला गंदा मंदा लिफाफा लेके जब कोई उठा के इनके घर में नहीं है ना सर, 2-4 नोट इसमें भी डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना? तो आपको मैं बता रहा हूँ, यदि आपने सीखना है तो फॉलो करिए विकास शर्मा जी को, तो ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। और धन्यवाद करता हूँ ड्रीम इलेवन का कि आपने हमें ऐसी लत लगाई है कि हमारे जो नौजवान युवा है तो आप उनको इस साइड में लेके जा रहे हो, उनका कहना क्या है कि फ्री रहिए आप और आप काम छोड़ दीजिए और आप ये काम करिए, बहुत अच्छी नसीहत दे रहे हो आप लोगों को, थैंक यू सो मच। और विकास शर्मा जी कुछ दो लाइनें कहना चाहते हो आप? सर धन्यवाद आपका मुझे इस चैनल, नहीं 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 सर आपका धन्यवाद, आपने आपके माध्यम से हम आपसे मिले हैं, चैनल का। चलो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच। यू सीरियस?